हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंकी शर्मा। और अभी रात के बज रहे हैं 10:22 और अभी हम लोग निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो मुक्को? गोवा के लिए। तो यहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट हो रही है और मुक्को बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मिकू ने इतना सारा सामान भर लिया है गोवा जाने के लिए। तो मुक्को गोवा जा रहा है, होश में जा रहा है। जब इसको मैं पहली बार गोवा लेके गई थी तब ये 2.5-3 महीने का था और आई होपफुली ये टाइम ये बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला है और बहुत दिन से एक्साइटेड है गोवा जाने के लिए। तो ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, है ना मुक्कू? सो ये अभी हमारा फर्स्ट हॉल्ट है जहाँ पे हम लोग रुके हैं और यहाँ पे चाय और कोल्ड ड्रिंक लिया है। और यहाँ पर ये एक्चुअली बसेस भी यहाँ पे रुकी थी तो हम लोग रुक गए यहाँ पे क्योंकि हमें नहीं पता आगे कुछ मिलेगा कि नहीं। ये रास्ते से हम लोग पहली बार जा रहे हैं, लास्ट टाइम जब गोवा गए थे तो दूसरे रास्ते से गए थे। तो यहाँ पे बहुत सारी बसेस रुकी थी, देखो मेरे पीछे कितनी सारी बसेस है। अभी रात के 1:30 बज चुके हैं, 1:18 हो रहा है और अभी हम लोग CNG पंप रास्ते में मिल गई तो हमने सोचा CNG भरा लेते हैं। तो इसलिए हम लोग अभी रुके हैं CNG भराने के लिए और ये पंप एकदम खाली मिला हमें। और हमें एक्चुअली रास्ते में कितने CNG पंप है नहीं पता था तो हमने सोचा जहाँ भी CNG मिल जाएगी तो हम लोग वहाँ पर भरा लेंगे। तो ये पंप बहुत एम्प्टी थी तो हमने सोचा भरा ही लेते हैं। तो अभी CNG भर रहे हैं, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी 4 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुँच गए हैं चिपलून बस स्टॉप पे और हम लोग ने ड्रेस चेंज कर ली, मतलब मैंने और मिकू ने ड्रेस चेंज कर ली क्योंकि मिकू घाट पे उसको वॉमिट होने लग गया था तो हम दोनों के कपड़े गंदे हो गए थे। तो हम दोनों ने फिर वहीं पर कपड़े चेंज किए कार में। और अभी हम यहाँ पे एक स्टॉल है जिसके पास गरम गरम वड़ा पाव मिल रहा है तो अभी हम लोग वड़ा पाव खाएंगे। बस स्टॉप है, स्टेशन है चिपलून बस स्टॉप के इधर। ये है 4 वड़ा पाव हमारे और अभी हम लोग चाय पियेंगे। ये छोटा सा स्टॉल है यहाँ पे बस स्टैंड के जस्ट बाजू में जो 4 बजे खुला है सुबह सुबह। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वड़ा पाव खाया और वड़ा पाव सच में बहुत टेस्टी था कि हम लोग दो दो खा लिए और तीसरे के लिए सोच रहे थे बट हमने सोचा नहीं, लिमिट में खाएंगे क्योंकि ट्रैवल करना है। और वड़ा पाव बहुत अच्छा था और प्राइस वाइज भी 14-15 रुपीस का था तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है प्राइस वाइज। और सुबह के 4 बजे जब रास्ते पे कुछ नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे वड़ा पाव मिला, वो भी गरम गरम। और वड़ा पाव वन ऑफ द फेवरेट डिश होती है हर मुंबई कर की, तो बहुत अच्छा लगा वड़ा पाव और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग आगे के लिए निकलते हैं। अभी 4:15 हो रहा है, गणपति पुले पहले हम लोग जाएंगे, वहाँ रुकेंगे दर्शन करेंगे और फिर गोवा के लिए निकलेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोग गणपति पुले कितने बजे पहुँचते हैं और कितने हॉल्ट हम लोग लेते हैं, तो लेट्स सी। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुँच गए गणपति पुले। तो अब हम लोग जा रहे हैं पहले मंदिर के दर्शन करने और अंदर एक्चुअली रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो आप इन पर्सन आके यहाँ पे दर्शन करो। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। वो ये मंदिर का एंट्रेंस है और यहाँ पर आगे शू रैक है तो वहाँ पे शू रैक में शूज रखना है और फिर मंदिर के दर्शन के लिए अंदर जाना है। तो ये है अंदर गणपति, यहाँ पे लाइव कैमरा चल रहा है उनका तो यही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और ये अंदर से मंदिर का लुक है, आप सब भी इनके दर्शन कर लीजिए। तो
अब हमारे दर्शन सिर्फ 2 मिनट में हो गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। और ये मंदिर आप बाहर से देख सकते हो कितनी प्यारी है। मैंने तो फर्स्ट टाइम विजिट किया है और यहाँ पे सामने ही आपको पूरा बीच दिखेगा, इतना प्यारा व्यू है यहाँ से और इतना शांत प्लेस है, बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो विजिट ज़रूर करना चाहिए। ये मंदिर मैंने फर्स्ट टाइम मराठी मूवी में देखा था, नवरा माझा नवसाचा, तो वो मूवी से मैंने ये मंदिर देखी थी और मुझे लगा था कि ये मंदिर बहुत प्यारी है और यहाँ पे विजिट ज़रूर करना चाहिए। तो आज जाके हमें ये दर्शन मिले मंदिर के और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए। तो ये है बीच जो मंदिर के एग्जैक्ट सामने है। ये आशु है ना, इधर मामा भी है। आओ इधर। वो कांप क्यों रहे? वो रेती 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 अंदर से आ रही है। ये अच्छा हैंड पकड़ो, इधर रुको, इधर खड़े रहो। तो अभी हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं गणपति मंदिर के और अब हम जा रहे हैं गोवा। अभी यहाँ से 6 hours का ट्रिप है हमको गोवा पहुँचने के लिए। मॉर्निंग हो चुकी है। क्या कर रहे थे लोग यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे मिसल मंगाया है और मिक्कू इज नॉट वेल, को 2-3 बार वॉमिट हो चुकी है। मुक्कू को घाट नहीं सूट किया है ना मुक्कू, क्या हो गई बेटू को? मेरे उल्टी हो गई मेरे बच्चे को बेचारे को, है ना। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे मिसल मंगाई है और मसाला डोसा मंगाया है, तो अभी हमारा ऑर्डर आएगा फिर हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी हम लोग दोपहर का लंच करने आए हैं और ये साई रेस्टोरेंट है, ये डायरेक्टली सैटरडे बाजार के इधर है। और इधर मेरा मिक्कू थक गया है, बहुत थक गई बेटू। व्हाट हैपेंड शोना, क्या हुई? तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से हमारा लंच कंप्लीट करते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं अरपोरा में और ये है सैटरडे नाइट बाज़ार। तो मेरे पीछे देख सकते हो कितना रश है यहाँ पे, इतनी सारी गाड़ियाँ कि पार्किंग करने के लिए जगह नहीं थी। और यहाँ पे सैटरडे नाइट मार्केट लगती है। मैं 2 years back जब आई थी तब हम ये मार्केट गए थे, फिर लास्ट ईयर ये मार्केट अवेलेबल नहीं थी, पता नहीं उस टाइम पे शायद नहीं लगी थी। तो आज अभी हम लोग बहुत टाइम बाद ये मार्केट में आए, तो चलो देखते हैं इस मार्केट में क्या क्या है।
सैटरडे मार्केट से लिया है हम लोग ने स्प्रिंग पटेटो, और मिकू वेट कर रहा है कि इसके फोटो सेशन कब कंप्लीट हो और मिकू खाएगा स्प्रिंग पटेटो। मुकू क्या खा रहे हो? फ्राइज। ये खाओगे? कैसे खाओगे मुकू? पीछे रख दो। मुकू यू आर एंजॉयिंग? से यस। यस। तो यहाँ पे भी हम रात का डिनर कर रहे हैं, और डिनर में हमने सिर्फ 2 बिरयानी ऑर्डर की है क्योंकि हमें ज़्यादा भूख नहीं थी। और यहाँ पे हमारी मिंकी वेट कर रही है कि उसको बिरयानी कब मिलेगी क्योंकि हमारा फोटो सेशन चल रहा था। तो यहाँ पे हम हमारी बिरयानी इंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो आफ्टरनून में मैंने आपको मेरी होटल नहीं बताई थी कि मैंने कौन सी होटल में चेक इन किया है। तो ये हमारी होटल है, और अभी मैंने सोचा आपको मैं रूम भी दिखा दूं कि कैसे है रूम। तो ये काफ़ी अच्छी होटल है और हमें बहुत ही अच्छी लगी है। और इधर मिक्कू ने लिया है लाइफ जैकेट, और मुक्कू इतना एक्साइटेड है। मुक्कू को पूल में जाना था और बेचारा सुबह से जा नहीं पाया, तो अभी बेचारा लाइफ जैकेट खरीद के लाया और कल जाएगा मुक्कू पूल में। है ना मुक्कू, कल जाओगे ना? अभी नहीं है, अभी इट्स 12 in the night बेटी, अभी नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे। सो मिक्की को तो अभी जाना है पूल में। और अभी यहाँ पे हमारी गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है, कल से ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, पूरी मिट्टी से भर गई है गाड़ी हमारी। तो चलो मैं आपको अंदर का रूम दिखाती हूँ। सो ये हमारी रूम है, और ये वॉशरूम है, और यहाँ पे ये बेडरूम है, और यहाँ पे वार्डरोब है। और ये बालकनी है। सो हमें तो ये रूम हमारी बहुत प्यारी लगी है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।